अक्टूबर नवंबर में यूएई और ओमान में होने जा रहे आईसीसी टी20 विश्व वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यों वाली टीम में ज़्यादातर नाम वही हैं जिनके नामों पर चर्चा जारी थी, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको जगह नहीं मिलने से हर कोई हैरान है। इनमें से एक सबसे बड़ा नाम अनुभवी ओपनर शिखर धवन है। बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज पिछले करीब एक दशक से भारतीय टीम का हिस्सा हैं और वनडे टी20 में टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन विश्व कप के लिए उनको जगह नहीं मिली है। उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल निभाएंगे, जबकि बैकअप ओपनर के तौर पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को जगह दी गई है। शिखर धवन की गैर हाजिरी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उनमें सबसे अहम सवाल कप्तान विराट कोहली के इस साल मार्च में दिए गए बड़े बयान से खड़ा हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत में हुई घरेलू टी20 सीरीज से पहले कप्तान कोहली ने कहा था कि आगे बढ़ने के साथ राहुल और रोहित ओपनिंग करेंगे, जबकि धवन तीसरे ओपनर की जिम्मेदारी निभाएंगे। इतना ही नहीं, सीरीज के आखिरी तक कप्तान कोहली ने खुद भी ओपनिंग की थी और कहा था कि वह भी विश्व कप में ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हालांकि अब ये भी नहीं होने वाला।